बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आज़ाद उम्मीदवार। नाज़रीन कराम, यूट्यूब और फेसबुक पाकिस्तान में दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आए लेट लेकिन आए दुरुस्त। इन दोनों प्लेटफॉर्म से आप पैसा कमा सकते हैं। आप वीडियोस को बनाएं, अच्छा अच्छा टॉपिक तलाश करें और किसी भी एक अच्छे टॉपिक पे वीडियोस बनाएं और अच्छी इनकम आपकी मुंतजर है। आपको स्कोप भी मिलेगा इसमें, आपको इसमें इज्जत भी मिलेगी और रुपया भी मिलेगा। लेकिन नाज़रीन कराम, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बड़े ही गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बजरिया टिकटॉक और स्नैप वीडियोस के वो वायरल होके या वहां से शोहरत हासिल करके यूट्यूब का लिंक दे के यूट्यूब पे आने की कोशिश करते हैं। अब मेरे पास बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, बहुत सी ऐसी हमारी ख्वातीन हैं जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बासी होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हैं, लेकिन उनका दीन के साथ, शरीयत के साथ ज़रा तल्लक भी नहीं है। एक ज़रा तल्लक होता है ना, वो तल्लक भी नहीं है। हया पास से भी नहीं गुजरी। मैं उन औरतों की बात कर रहा हूँ जो कि टिकटॉक पर ऐसी गंदी और नाजेबा वीडियोस बनाती हैं। मकसद उनका सिर्फ ये होता है कि वहाँ से अपनी थोड़ी सी रेपुटेशन लें, वहाँ से थोड़ा सा फीडबैक लें और फीडबैक लेने के बाद वो अपने यूट्यूब पे अपने जो देखने वाले हैं उनको कन्वर्ट करें और अपने यूट्यूब पे मौजूद व्लॉग्स के ज़रिए या दीगर चीज़ों के ज़रिए वो वहाँ से व्यूज़ लें और अपनी जो है वहाँ से रकम या इनकम के लिए वो वहाँ से सर पैर मारने की कोशिश करती हैं। अब बहुत सी मैं आपको साथ स्क्रीन पे चला भी देता हूँ वीडियोस, ऐसी घटिया वीडियोस हैं जिसमें हमारी बहुत सी औरतें ऐसी घटिया घटिया तरीके अपनाती हैं, ऐसे घटिया घटिया अमल करती हैं जिससे एक इंसान की अक्ल दंग रह जाती है और इंतहाई शर्मिंदगी का बहस बनती है कि किस तरह कौन कौन से तरीके लगा के ये औरतें फेम हासिल करने की कोशिश करती हैं। और मैं लानत भेजता हूँ ऐसे रुपए पे, ऐसी शोहरत पे, ऐसे रुपए पे कि जो आप अपनी इज्जत के बदले में हासिल करें। तो मैं हुकूमत वक्त से, हुकूमत पाकिस्तान से जो कि रियासत मदीना का दावा करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा ये बेहयाई है। औरतों ने सोशल मीडिया पे हीरा मंडियां कायम कर दी हैं। पहले तो लाहौर में एक हीरा मंडी थी ना जिसके सारे लोगों को पता है, दुनिया जानती थी कि एक लाहौर में हीरा मंडी है। सर वो दौर खत्म हुआ, अब सोशल मीडिया पे हीरा मंडियां कायम हो गई हैं। औरतें अपना रेट्स लगवाती हैं, मुख्तलिफ तरीके करती हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स के जरिए वो लोगों को मुतासर करने की कोशिश करती हैं। हाँ, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताएं कि मैं गलत हूं, क्या ऐसा नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा वो क्यों करती हैं? तो मैं चाहता हूं कि आला हुकूमती अदारे इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लें जिस तरह सऊदी अरब या दीगर ममालक में है। खुदारा इस मुल्क को इस्लामी मुल्क बनाया जाए और इसमें इस्लामी कवानीन का नफाज किया जाए। आखिर में मेरा पैगाम है कि खुदारा अच्छा सोचिए, अच्छे रहिए और अच्छी सोच रखिए। थैंक यू वेरी मच।